बहन का रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं फरियाद लगा रही है डीएसपी प्रमोद कुमार से और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक से कि उनको जो है न्याय मिल सके और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी इस बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सात पुलिस कहां से खाले ले लेकर जे कब्र लेनी पहल सके। तो देख सकते हैं तस्वीरें, अब यहाँ पर जो है पूरे गांव के निवासी यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ? नमस्कार, मैं हूँ संयम जैन और आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि 22 वर्षीय राजेश जो कि मुसिम्बल गांव का निवासी था और परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि उसके 8 जानकारों ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको यमुना में धक्का दे दिया जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और वहीं परिवार वालों में जन आक्रोश है जिसको लेकर आज वो डीसी उपायुक्त पार्थ गुप्ता के कार्यालय में पहुंचे और वहीं वहां पर जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया और मौके पर डीएसपी महोदय भी आए। आप सभी को बता दें वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात करता हुआ राजेश जो है घर में खेतों में काम किया करता था जिसके बाद जो है उसके दोस्तों ने उसे लालच देकर कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसको नहर में धक्का दे दिया, ऐसा परिवार वालों का कहना है। क्या कुछ है जानने का प्रयास करते हैं। अचानक उसके कुछ दोस्तों ने फोन करके बुलाया और 11 बजे तक वो लापता रहा। उसके घर से कुछ लड़कों ने फोन करके बुलाया, फोन करने के बाद सर 11 बजे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मौके पर डीएसपी साहब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डीएसपी प्रमोद कुमार का कहना है उनके परिवार को लेकर क्या कुछ उनका कहना है ये जानते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनका लड़का मर गया जी, किसी ने उसकी किस किस का नहर में वहाँ मार दिया, मार दिया सर। 8 लड़के थे, आराम से सुनिए, आराम से डीएसपी साहब आपकी बात का जवाब देने आए हैं। क्या कार्रवाई है क्या नहीं, ये परिवार है जी, उसकी बहन है और ये पूरा परिवार, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इनका कोई सहारा नहीं एक बार भी कोई फोन नहीं आया, 4 दिन हो गए सर, 4 दिन में ना अब देख के उठ के आए भी, अब मेरे कोई इंसाफ नहीं मिला। 4 दिन में एक बार भी प्रशासन की तरफ से कोई फोन नहीं आया हमारे पास, 4 दिन में एक बार भी ना कोई आरोपी पकड़ा गया सर। भाई एक मिनट चुप हो जाओ, ये तो बात करने दो। कॉज ऑफ डेथ ये वहाँ पे ना पानी में उसको घुमाने के बहाने से लेकर गए वहाँ उसकी डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ क्या था वो प्रशासन का काम है, उसे डुबो के मारा। इनका जो एलिगेशन है कि उसे डुबो के मारा, नशीला पदार्थ खिलाया उसे जी। भाई वो जो लड़के 4 हैं, 4 नहीं सर 8 लड़के उनके पहले भी सर केस बना हुआ है, पहले में बब्बल नाम का लड़का है, राहुल है सर, दर्जन सर उनके खिलाफ पहले भी, और मीडिया ने जी वहां निकाल के सर रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट नहीं, पहली उसे शराब पिला के सर्व कर दिया। एक यार तेरी बात कर रहे ना पुलिस को, पहले ये सब अब बात करनी थी, पुलिस को किसी से कोई रंजिश नहीं है। भी साइन करो हमें पोस्टमार्टम कराना, हमने साइन करने लगे देखा आरोपी का नाम ही नहीं सर, में लिखवाए 8 बंदों के नाम, 4 या 5 बंदों के नाम दिखाए जाए सर वहां पे, उसमें एक लड़का यहाँ से तो पता लगता है भी पूरा पुलिस प्रशासन जो है करप्ट है। फिर ये पैसे खा लिए गए सारा कुछ होने आराम कह देते हैं, हमें इंसाफ दो, पैसे इंसाफ के लिए सर, हमसे आराम से विनती भी करें सर। दो मिनट चुप हो जाओ, मेरे पास आ, ठीक है, जितने भी 5-6 लड़के हैं और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ले आना, क्या लिखा डॉक्टर ने वो भी लिखा देना, करा देंगे कार्रवाई। ठीक है सर, आपका डीएसपी भी आ जाएगा थोड़ी देर में, उससे
आपसे कब मिले साहब इस विषय में? थोड़ी देर बाद ही कहते हैं आ जाएंगे, चार आदमी आ जाना मेरे पास। बैठ जो, इतने आएंगे जो हमको बात करने दो, बात तरीके से होगी। अगर आए हैं डीएसपी साहब तो हमने उनकी सुनी, उन्होंने हमारी सुनी, अगर नहीं होगा तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, प्रशासन कहीं जा रहा है, फिर हम लोग आ जाएंगे, उससे ज्यादा संख्या में आएंगे, ये हमारा वादा। ठीक है, डीएसपी साहब शाम को हम लोग आपसे मिल लेते हैं और इसमें आउटपुट थोड़ा जल्दी निकलवा, क्योंकि दो बहने थी सिर्फ, चार दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी, कोई कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई ताज नहीं उठा। अगर जो ऐसा जी ऐसा आज मारा मारा कल्ला और किसी ने भी मारेंगे जी, मैं तो जब मैं पकड़े जाने के कल्ला और नहीं तो मारेंगे। चुप हो जाइएगा, बात कर रहे, चुप हो जाए सर। ऐसा है, जो इनकी शिकायत थी वो आज दी गई है, अभी तहसीलदार साहब आए हैं उनको दे दिया गया है, जो आरोपी उनके नाम उसके अंदर ऐड हैं, एक बार उनकी जांच करके जो आरोपी हो उसको गिरफ्तार, क्योंकि SHO ने उन व्यक्तियों के नाम नोट नहीं करे थे और अब वो हमने लिखित में दे दिए हैं। उस टाइम पूरा परिवार सदमे में था, पूरी बात रख नहीं पाया, अपनी पूरी बात आज रख दी गई और आप इसको संज्ञान में लेके काम में। हाँ जी, आठ आदमी अलग अलग गाँव के, अलग अलग गाँव के बाद भी ना रिपोर्ट, जो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई उसके अंदर नाम नहीं लिखा गया। देखो स्पोर्ट पे भी नाम लिखवाने के बाद ये लड़के थे डिबोने में और वहाँ से भाग गए ने सारे के सारे। अरे साहब बात कर रहे हैं उनके साथ, बुला रहे हैं उनको, मैं फिर भी नहीं आया, वो बचाने में थे, जबकि वहाँ बंदा एक भी नहीं, एक बंदा सिर्फ बूढ़ी से पकड़े थे जाके, बूढ़ी से लड़के पकड़ेगा पुलिस प्रशासन लगा रहा है जी, उन्होंने दोस्तों ने पूरी जोर लगाया लाने में, एक बंदा पकड़ा जो मतलब वो आए थे अपना। मेरा भाई ने कहा या मेरा बाप, हमारा बाप देख, मेरा बाप तो जमीन मर लिया, अंत की भाई था जी, मारा तीनों बहन भैया का किया है कि भाई था, इतना दुख हो रहा है परिवार, बोल जी बहुत दुख हो रहा है जी, क्या करा, एक इतने तीनों बहन भाई का भाई मिल रहा है, बगाने गाड़ी मिल रहा जी, जिसने सुखते हमारे जी। राजेश क्या नाम है आपका? बलदेव। बच्चे का नाम क्या था? राजेश। क्या कुछ हुआ था खुलकर बताइए। कुछ पता ही नहीं जी, मारे का तो 5 बजे फोन आया जी, क्या था जी, आधा बगाने काम पे हूँ जी। आपको कब सूचना मिली कि राजेश? 5 बजे सर, मैं बताता हूँ, देखो सही बात बताऊंगा, आपको कब सूचना मिली कि राजेश? सर राजेश नगर 2 तारीख को 9 बजे घर से निकला जी, इनका फोन आया, चला गया घर से राजेश, ठीक है सर। इन्होंने 11 बजे कॉल की, इनका फोन उठाया, उसने कहा डैडी मैं आने लग रहा घर, उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया सर, ठीक है सर। लड़के का कोई 1 बजे करीब वहाँ पे जो भी उन्होंने किया उसे मार दिया, जो भी किया मार दिया, उनको मार दिया जी। उसके बाद सर मेरे को 4 बजे कॉल आती है मेरे गांव से, हमारे को फोन भी नहीं किया, सच्चो सारे फोन हमारे गांव के सरपंच को किया। लज्जा राम सर, लज्जा राम सर, हमें धमकाने की कोशिश की गया जी, और सर उल्टन को धमका रहे जी, वो क्या कर रहे हैं, हम कुछ पूछते हैं, आप हमें रोप दिखा रहे हो ये बोलते जी, हमें किया मगर सर हमें इंसाफ चाहिए सर, सर आपने कुछ नहीं किया, हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के रिपोर्ट ही सर अब लगाई, रिपोर्ट आपसे पहले ना उस पर आरोप लग गया कि तो शराब पी के पानी में गया था सर। कौन कौन से लड़के हैं? सर 8 लड़के हैं, बब्बल सर एक बब्बल है, एक बब्बल जो है कोतरखाने का, एक जस्सू है सर, ये मैडम भी थी, इन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैडम आप मौके पे थे उस दिन, वीडियो सारी चली है सर। नहीं मैडम, तो हम उस एम को दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे B24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।